जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बेटा कल हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसी को मैं आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। 40 तक मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, अब मैं आपको 41 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने कल क्वेश्चंस वगैरह लगाए होंगे जो मैंने करा रखे थे, तो आप इनको वापस से करिएगा जो मैं आज करा रहा हूँ, और डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई फोर देन टेन ए प्लस वन, और आपको निकालना है टेन बी प्लस वन की वैल्यू मांग रहा है। देखो बेटा, वैसे तो ये एक रिजल्ट है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको पहले से ही कि इसका जो एक्चुअल में आंसर आने वाला है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो एक्चुअल में आएगा आपका टू। लेकिन क्या है ना, ये आएगा कैसे ये मैं बता देता हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, इसे आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब भी कभी a प्लस बी आपका पाई बाई फोर होगा, तो टेन ए प्लस वन और टेन बी प्लस वन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो आपकी टू आएगी। बस ये ध्यान रखना, बस a प्लस बी 45 होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। देखिए, टेन ए प्लस वन, और फिर आपको उसने वैल्यू मांगी है ना आपसे, किसकी वैल्यू मांगी है, टेन ए प्लस वन, और फिर आपसे कहा है उसने टेन बी प्लस वन, वो आपसे इसकी वैल्यू मांग रहा है। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, हेलो एवरीवन, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इनटू, तो यानी ये हो जाएगा टेन ए, ये हो जाएगा टेन बी, और प्लस में कितना आ जाएगा टेन ए, और बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टेन बी, और प्लस का आ जाएगा वन। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई ये लिखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में बेटा हम लोग को एक चीज़ दे रखी है कि ए प्लस बी जो आपको है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको पाई बाई फोर। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेन ले लेंगे। अगर आप इसमें बोथ साइड में बेटा टेन अप्लाई करोगे, तो टेन ए प्लस बी जो है वो आपका हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर इज़ वन, टेन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस में आ जाएगा टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू में आ जाएगा टेन बी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन ए, फिर आपके पास आ जाएगा टेन बी, और टेन बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा क्या होने वाला है, यहाँ से आप एक काम करिए, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, और ये हो जाएगा आपका टेन ए इंटू टेन बी, और इस पूरे की वैल्यू वन आ गई। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पर अगर हमने बेटा यहाँ पे वन पुट कर दिया, तो वन प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि बेटा आप इसका आंसर जो है वो लर्न कर लें, सो फार बेटर रहेगा। और ये ध्यान रखना है, जब जब ए प्लस बी पाई बाई फोर होगा, तो टेन ए प्लस वन और टेन बी प्लस वन की वैल्यू जो होगी वो आपकी टू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, टेन ए रेशियो टेन बी इक्वल टू के एज टू वन, तो कह रहा है साइन एक्स कितना होगा। तो देखो, अल्फा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी आपका अल्फा हो गया। और दूसरी चीज़, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन और है, वो आपके पास क्या है कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपको x दे रखी है। a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, x। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, साइन x निकालना है। तो हम लोगों को क्या दिया है, टेन ए अपॉन टेन बी, टेन ए अपॉन टेन बी इज इक्वल टू के एज टू वन गिवेन है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लगाऊंगा बेटा सी एंड डी, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर हम लोग इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो ऊपर जाके ऐड करेंगे, और नीचे जाके हम इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ऊपर आ जाएगा के प्लस वन, नीचे आ जाएगा के माइनस वन। इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा, जब आप साइन कॉस में ब्रेक करेंगे ना, तो ऊपर फार्मूला बनेगा आपका साइन ए प्लस बी का, और जब इसको साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो नीचे फार्मूला बनेगा आपका साइन ए माइनस बी का। और यहाँ से अपने पास आ गया के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, मतलब इसको साइन कॉस से ब्रेक करने के बाद ये आएगा, एलसीएम लेने के बाद आएगा बेटा ये। अब हम लोग ए प्लस बी के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी के प्लेस पर हम अल्फ़ा रख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और ए माइनस बी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स, यानी ये हो गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, और इन टू में आ जाएगा बेटा साइन अल्फ़ा। तो ये वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करके दिखाया नहीं, साइन अपॉन कॉस
साइन अपॉन कॉस, फिर एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एक फार्मूला फ्रेम होगा, जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा, नीचे साइन ए माइनस बी का बनेगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी के माइनस वन अपॉन के प्लस वन हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। 43 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको हम ये कह सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसे आपको अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है, तो आप उसे लर्न कर लीजिएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये y इज इक्वल टू क्या गिवन है। y इज इक्वल टू गिवन है ए स्क्वायर, आपको दिया है टेन स्क्वायर थीटा, और फिर दिया है बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको गिवन है। अच्छा आप जरा देखिए, इसमें इसकी अपने को क्या करना है, इसकी हम लोगों को निकालनी है मिनिमम वैल्यू। वो कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक एक बात बताऊं, अर्थ ऑब्जर्वेशन इन एसोसिएशन होता है वो, और सबसे लास्ट में जो है कौन सा देश होगा, अफगानिस्तान। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डिवाइडेड बाई टू आंसर होगा आयरलैंड निकालूंगा बेटा, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा आपका, कहा हुए थे आराम किया है ए स्क्वायर, तो आंसर होगा इसका आपका टेन प्रिया, और बेटा आ जाएगा कॉट स्क्वायर रुपए में द्वीप। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से देखिए, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम के बीच आपका एक आपको याद रखना साल स्क्वायर थीटा, ये हो गया सालवैक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इंडियन नेवी में आ जाएगा टू इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा सालवैक्स जो है एक्सरसाइज 2023 इंडियन नेवी और यूएसए के बीच में है ना, और ये कहाँ हुई कोची में, जो ये आपको याद रखना कहाँ, और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ जाएगी, तो वो मिनिमम वैल्यू मांग रहा है, तो इसलिए जो आपका मिनिमम नेक्स्ट 2023 भारत से, तो वाई ऑर्गेनाइज बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, एक टू जिम्बैक्स समुद्री अभ्यास 2023 भारत और किस देश की, किस देश के बीच किया गया जिम्बैक्स, ये आपको याद रखना किस देश के साथ किया गया। अब जिम्बैक्स का मतलब देखो यहाँ पर जापान, वैसे तो एक रिजल्ट है, अगर आप ये रिजल्ट लर्न, आई का मतलब है इंडिया, क्योंकि मैंने पहले बोला क्योंकि ये आया है, एम का मतलब है मैरीटाइम मतलब, और एक्स का मतलब है एक्सरसाइज, देखिए पूछ लेता है, तो जापान और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज हुआ, जापान और इंडिया के बीच एक्सरसाइज हुआ था। जापान के साथ और क्या होता है, वीर गार्जियन भी आपको याद रखना, तो आप एक काम करिए, वीर गार्जियन एक्सरसाइज जापान के साथ होती है, टेन थीटा बाय, वीर गार्जियन के साथ साथ एक और रखेंगे धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, और बेटा ये बन जाएगा इंडिया में कहां हुआ था, उड़ीसा में, ये हो जाएगा आपका टेन, उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर, आपका टेन फाइव बाई टू, हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इधर एलसीएम ले लेना आप, भुवनेश्वर में हुआ था ये आपको याद रखना, टू बन जाएगा ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लगा भुवनेश्वर में हुआ था, क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी, और दो बार जो है नीदरलैंड ने दो बार जो है अपने नाम कर दिया ये खिताब, आप चाहो तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 4 यानी 20 आ जाएगा, और इसे अगर 8 से करोगे तो ये आ जाएगा 6, नीचे अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 15 आ जाएगा, तो ये 26 बाई आपका हो जाएगा 15 में से 7 गया, यानी माइनस का 26 बाई 7 आ गया। कहने का मतलब ये है कि टेन की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों से उसने मांगा है कॉस थीटा प्लस फाइव, तो एक बात बताओ कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन होता है टेन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाई क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, ये होता है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अगर करेंगे तो बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 676 बाई 49, नीचे में आ जाएगा 1 + 676 बाई 49 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको 49 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 से मल्टीप्लाई करके ये 49 माइनस 676 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 49 प्लस कितना आ जाएगा आपका 676, 49 में से अगर 676 कम हो जाएगा तो माइनस का बचेगा बेटा ये कितना, माइनस का बचेगा 627, और नीचे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 9 × 6 = 15 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 और 1 = 12 हो जाएगा, और इसके बाद 725 आ जाएगा, तो माइनस 627 अपॉन 725 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, तो 627 अपॉन समथिंग आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 भी डन कर लिया, आसान है। कॉस थीटा का मैंने फार्मूला यूज़ किया है, कॉस थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है,
कॉस थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इस फार्मूले का मैंने यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 45 में के इज इक्वल टू दिस साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स देन के बिलोंग्स टू द इंटरवल, मतलब के कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये वो लिखा हुआ है साइन की पावर सिक्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका रिजल्ट आप लर्न कर लेना, इसका रिजल्ट होता है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर, ये एक बहुत यूजफुल रिजल्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसे आपको लर्न करना है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से ये फार्मूला क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई, ये मैंने कई बार किया है इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर रखे हैं और जनरली ये यूज़ में आता है, तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर और ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स। अगर मैं साइन स्क्वायर टू एक्स की बात करूँ तो इसकी जो रेंज होती है बेटा वो होती है जीरो से वन। अब थ्री बाई फोर को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो से थ्री बाई फोर हो जाएगा। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन को जीरो से करोगे तो वन आएगा और वन से थ्री बाई फोर को करोगे तो वन बाई फोर आएगा। तो छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हैं, इसलिए उसने जो आपसे पूछा था कि किस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो के बिलोंग करेगा आपका सी में, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा वन बाई फोर से लेकर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट है, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, टेन नाइन माइनस टेन ट्वेंटी सेवन माइनस टेन सिक्सटी थ्री प्लस टेन एटी वन की वैल्यू मांग रहा है, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो बेटा एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आप 9 के साथ, टेन 9 डिग्री है ना, इसको जो टेन 81 है इसे हम कॉट 9 लिख सकते हैं और कॉट 9 को इसके साथ लिख लो आके प्लस, फिर ये माइनस है, ये आपका टेन 27 है, जब इसे आप लिखोगे कॉट के टर्म में 90 माइनस समथिंग से तो ये आपका हो जाएगा कॉट 27 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे ना तो वो चेंज हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया आपका टेन 9 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेटा कॉट 9 डिग्री, यहाँ पे आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, अगर आपने यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा टेन 27 डिग्री और बेटा ये आ जाएगा कॉट 27 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे, जब आप इसे साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री लिखोगे और फिर इसी तरीके से इसे आप लिखोगे कॉस 9 डिग्री अपॉन में लिखोगे आप साइन 9 डिग्री, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया, इसी तरीके से इसे करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 27 डिग्री अपॉन में आ जाएगा कितना कॉस 27 डिग्री, इसे लिखोगे कॉस 27 डिग्री और नीचे में आ जाएगा बेटा साइन 27 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा आप जरा देखो इसका फिर से, मैं वही कह रहा हूँ एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 यानी 1 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा कॉस 9 डिग्री और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका साइन 9 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऊपर 1 में 1 आ जाएगा और नीचे में आपके पास आ जाएगा कॉस 27 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा साइन 27 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने से 2 कॉस 9 साइन 9 बनेगा जो फार्मूला हो जाएगा आपका साइन 18 का, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा साइन 54 डिग्री का, क्योंकि 27 दूना 54 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है तो वो लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन 18 को तो ऐसे ही लिखेंगे, साइन 18 इज साइन 18 माइनस, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस 36 डिग्री, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस 36 होता है। अब हम साइन 18 और इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, तो अगर आपने इसकी वैल्यूज़ लगाई तो इसकी वैल्यू तो रूट फाइव माइनस वन ऊपर 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस वन, इसको करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा रूट फाइव प्लस वन, ठीक है। अब आप इसमें एलसीएम एलसीएम ले सकते हो, अगर आपने क्या किया है यहाँ से इस वाले से अगर आप 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन लेने के बाद अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो रूट फाइव प्लस वन और ये हो जाएगा बेटा रूट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे जो है आपका टर्म आ जाएगा रूट फाइव माइनस वन यानी ए माइनस बी ए प्लस बी होगा तो 5 माइनस एक आ जाएगा, यहाँ से 5 5 भी कट गया, ऊपर में आ गया 16, नीचे में आ जाएगा 4 4 4 कट गया, तो यानी आपका आंसर जो आ गया वो 4 हो गया, ठीक है। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा 46 का वो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें 47 में लिखा है द वैल्यू ऑफ ई की पावर लॉग 10 1 लॉग 10 10 2 इस तरीके से, इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर वाले टर्म को कल सॉल्व किया था उस दिन लास्ट लेक्चर में, तो इसकी वैल्यू 0 आई थी शायद आपको याद होगा, क्योंकि मैंने बोला था ना ये क्या बन जाता है, ये लॉग 10 और ये आपका कितना हो जाएगा 10, सब सारे टर्म इंटू में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 2 डिग्री, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 10 3 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा 10
89 डिग्री आ जाएगा। जो 89 और 1 डिग्री है ये कट जाएगा, वो दोनों 1 मिला बना के 1 बनाएंगे, ऐसे 288 से कटेगा, सारे कट जाएंगे, बस केवल ऊपर में क्या बचेगा, लॉग में टेन, और यहाँ पे टेन 45 बच जाएगा। टेन 45 क्या होता है, टेन 45 जो आपका होता है वो होता है 1, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि ये कटा कैसे बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे ये टेन 1 डिग्री है ना, कल भी बताया था मैंने आपको, टेन 1 और टेन 89 ये दोनों कट सकते हैं, क्योंकि ये आपका टेन 1 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 1 लिख सकता हूँ। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना इसका, ये तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी बना जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, सिर्फ टेन 45 बचेगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 1 आंसर आ जाएगा। ये 47 आपका डन हो गया, तो ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 अल्फा इज द एक्यूट एंगल एंड साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, तो टेन अल्फा मांग रहा है आपसे। अब अगर आपसे टेन अल्फा मांग रहा है तो हम लोग यहाँ से कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। अगर बेटा हम यहाँ से कॉस अल्फा निकालने की कोशिश करें तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है, साइन के टर्म में 1 माइनस आपका होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया बेटा। अब इसका अब आपके पास आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड में आ जाएगा x, और आपका x जो है वो x से कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन x, और ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये है cos x, cos अल्फा की। अब अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी ये हो जाएगा आपका एक्स, इसको निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। उसने आपसे टेन अल्फा मांगा है, तो टेन अल्फा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो आपका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये था, ये भी डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसमें जो लॉजिक लगने वाला है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली 82 पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को अगर मैं 90 के टर्म में लिखूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, अच्छा बताओ, इसे मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस में लिखूंगा कितना, इसको अगर मैं 7.5 लिखना पड़ेगा, इसे 7.5, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, tan 7.5 डिग्री, यानी कि आपको cot 15/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब वैसे तो ऑप्शन इसका ये है, लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें सारे प्लस में आते हैं। देखो cot 15 की वैल्यू आपको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें रिजल्ट यूज़ करेंगे, उस रिजल्ट के थ्रू ही ये प्रूफ होगा। आपको बता दूं मैं क्या रिजल्ट यूज़ होगा, cot थीटा बाई 2 एक्चुअल में जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट काफ़ी काम का है, यही हमारी हेल्प करेगा। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो cot थीटा बाई 2 ही आ जाएगा। अगर सपोज़ करो मुझे tan लेना होता तो मैं यहाँ माइनस कर देता। अब एक बात बताओ, थीटा के प्लेस पर हम कितना रख दें, 15 रख देते हैं, थीटा की जगह अगर मैंने 15 रख दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका cos 15, नीचे आ जाएगा आपका sin 15। अब आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू मालूम होनी चाहिए इनकी। cos 15 की वैल्यू क्या होती है, cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 अपॉन 2√2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में आ जाएगा √3 - 1। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मतलब हो गया बेटा 2√2 और √3 + 1, और इसको जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो ऊपर में आ जाएगा √3 + 1 और नीचे में आ जाएगा √3 - 1 एंड √3 + 1, ये आ जाएगा। अब देखो नीचे में तो कितना हो गया, नीचे में तो 2 आ जाएगा आपका, नीचे में 2 आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2√6 आ जाएगा, और 2√6 के बाद ये आपका 2√2 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। और देखिए इसको पहले किया हमने, किससे किया है, 2√2 को मल्टीप्लाई 2√6, फिर से किया तो 2√2 आया, √3 का करेंगे तो आपका 3 आएगा, और इसके बाद जो है देखिए 2√2 का मल्टीप्लाई इसका √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2√6 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और एक मिनट, हाँ बेटा, तो अगर देखो नीचे में तो कितना आ गया, नीचे में तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 3 आएगा, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 1 से करते हैं, तो 1 से करेंगे तो 2√2 आएगा, फिर कितना आएगा, √3 आएगा और +1 आएगा।
अब अगर आप इसमें से देखिए तो टू रूट थ्री दो बार हो जाएगा, टू रूट टू भी दो बार हो जाएगा, चार आ जाएगा, दो कॉमन लेके काट देंगे तो आपको वही मिल जाएगा जो लिखा हुआ है, यानी रूट टू मिलेगा और फिर आपको रूट थ्री मिलेगा और फिर टू मिलेगा, और टू मिलने के बाद अगला जो टर्म आएगा वो आपको रूट सिक्स मिलेगा। तो उसने यहाँ पे चार लिख दिया आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो इसलिए अपना आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो ये आ जाएगा, कॉमन लेके कट कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, टेन सिक्स डिग्री, टेन फोर्टी टू डिग्री, टेन सिक्सटी सिक्स डिग्री, टेन सेवेंटी एट डिग्री आपको दे रखा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको जरा देखिए। इसको करने के लिए सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, वो फार्मूला जो है थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा टेन 3 थीटा। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस फार्मूले को। देखिए अगर मुझे समझ में आ रहा है तो ये टेन 6 डिग्री और ये टेन 66 डिग्री, ये दोनों मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, 60 प्लस 6 है तो 60 माइनस 6 की ज़रूरत है मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, टेन 54 और टेन 6 डिग्री और टेन में हो जाएगा आपका, हाँ बेटा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, टेन 60, टेन यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेन 66 डिग्री। अब देखो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, अब नीचे में देखिए यहाँ पे आपने टेन 54 का मल्टीप्लाई किया है तो टेन 54 डिग्री का हम डिवाइड भी करेंगे। अब हमारे पास क्या बच रहा है, टेन 42 डिग्री और टेन में बच रहा है 78 डिग्री, तो टेन 42 डिग्री और ये हो गया बेटा टेन 78 डिग्री। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करोगे तो थीटा की जगह 6 है, जब थीटा की जगह 6 है तो टेन 18 डिग्री बन जाएगा और ये हो गया आपका कितना, टेन 42 डिग्री, और इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन 78 डिग्री। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे में बेटा आ जाएगा टेन 54 डिग्री। अब ऊपर फिर से फार्मूला बन रहा है, ऊपर फिर फार्मूला बन रहा है, यानी थीटा की जगह 18 है आपका, तो अगर मैं उसमें सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर टेन 54 बनेगा, नीचे में भी आपका टेन 54 बन जाएगा, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। ओके बेटा चलो आगे चलते हैं। अब जरा देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर है 51, द वैल्यू ऑफ कॉट्स 36 और कॉट 72। देखो ये सब क्वेश्चन डालने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि इसकी जो वैल्यूज है ना वो आपको लर्न हो जाए। कॉट जो लिखा हुआ है वो है आपका कॉट 36 डिग्री और फिर ये कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन करेंगे आप, तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री, इसको करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री और नीचे में आ जाएगा आपका साइन 72 डिग्री। कॉस थीटा का सिंपल फार्मूला लगा दिया हमने। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस 36 की वैल्यू तो अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन 36 की जो वैल्यू है वो भी हम लोग को मालूम है, तो साइन 36 का भी कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इधर देखिए कॉस 72 जो हमारा है ना उसको हम लिख सकते हैं साइन 18, और जो साइन कॉस 72 को हम साइन 18 लिख सकते हैं और साइन 72 को हम लिख सकते हैं कॉस 18, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब मैं वैल्यू लगाने जा रहा हूँ, अगर कॉस 36 की वैल्यू रखूंगा तो कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5+1 अपॉन कॉस 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा रूट 5+1/4 होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इसकी वैल्यू हो गई 4। अब अपने को क्या करना है, आप देखिए ऊपर कॉस 36 तो आ गया, अब साइन 18 रखना पड़ेगा, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5-1/4 कितना होता है, 4 होता है। अब नीचे आ जाइए, साइन 36, साइन 36 की रखेंगे वैल्यू तो ये अंडर रूट में होता है, 10-2√5/4 आएगा, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 10+2√5 और अपॉन में आ जाएगा 4। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो सारे कट गए, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर a+b a-c बन रहा, तो ऊपर में तो 4 आ गया, नीचे जब आप देखोगे तो ये अंडर रूट के अंदर a²-b² बनाएगा, तो ये आपका बन गया 100-20, 100-20 ऊपर आ जाएगा 4, ऊपर में कितना हो गया 4, नीचे में देखिए नीचे में आ जाएगा अंडर रूट 80, और अंडर रूट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√5 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 4-4 कट गया, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो 1/√5 आ गया, तो 1/√5। अब देखो ये क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको कम से कम जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी हैं वो सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, और ये स्पेशल एंगल है जिन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52, द वैल्यू ऑफ कॉस 5/7, कॉस 2π/7, कॉस 3π/7, कॉस 4π/7, कॉस 5π/7, ये सब वैल्यूज़ हमको दे रखी है। ध्यान से देखो अगर आप, तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो बेटा कॉस पाई बन जाएगा ना, ये कितना बन जाएगा कॉस पाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1।
तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपका माइनस वन बना लेगा। अब जरा देखो इधर, पहले ये जो टर्म है ये वाला टर्म, यानी कॉस पाई बाई सेवन और कॉस सिक्स पाई बाई सेवन, कॉस पाई बाई सेवन और क्या होगा कॉस सिक्स पाई बाई सेवन। ध्यान से अगर आप देखो तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं, दोनों को ऐड करके अगर पाई बना रहे हैं, तो अगर एक थीटा है तो आपका एक पाई माइनस थीटा है। और जब कभी ऐसा सीन आपको दिख जाए तो ऐसी चीज़ों का आंसर जो आता है वो जीरो आता है, क्योंकि आप इसे कन्वर्ट करके देख भी सकते हो। यानी कहने का मतलब कॉस पाई बाई सेवन, आप इसे क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई सेवन करोगे, और कॉस कॉस पाई बाई सेवन कॉस पाई बाई सेवन रहेगा, और इसे हम लोग लिखेंगे तो ये आपका कॉस पाई बाई सेवन आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। बट ये लॉजिक याद रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले के साथ ये जीरो हो जाएगा, इस वाले के साथ टू वाले के साथ चार वाला जीरो हो जाए, तो इसके साथ दो वाले के साथ पाँच वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है, और तीन वाले के साथ जो आपका है वो चार वाला जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बचेगा वो माइनस वन बचेगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा कि अगर पाई बन रहा है कॉस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा अगर कहीं पर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन के केस में ये जो चीज़ें होती हैं ऐड हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस टू पाई बाई सेवन कॉस फोर पाई बाई सेवन प्लस कॉस। अब ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, अगर मैं डायरेक्टली इसको नॉर्मल तरीके से करूंगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं एक सीरीज लिखवा रहा हूँ आपको, ये आपको लर्न करना है। कॉस अल्फा और फिर क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और फिर कितना होता है बेटा, कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, और ऐसे ही करते करते लास्ट में आपका आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आपका आ जाएगा कॉस ऑफ आपका आएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। अगर कॉस वाली सीरीज है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन में एन बीटा बाई टू, और नीचे में होता है साइन बीटा बाई टू, और यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ आएगा कॉस और कॉस के बाद आपके पास आएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू में आ जाएगा बीटा बाई टू। ये आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को मैं अभी इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से देखो कि हुआ क्या है। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज आपको ढूंढनी है। दूसरी चीज़, इसमें एंगल में एपी बनती है, एंगल में क्या बनती है, एपी बनती है, तो आपका जो बीटा है, जो आपका इसमें बीटा आएगा, बीटा इज़ द कॉमन डिफरेंस। बीटा क्या है आपका इस वाली सीरीज में, अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा क्या है आपका, वो है आपका कॉमन डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इस फार्मूले को इसमें ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो देखो इस वाले फार्मूले के हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या है, अपना क्वेश्चन जो है उसमें बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा 2π/7। बीटा कितना दिया गया है आपको, 2π/7 दे रखा है। बीटा अगर 2π/7 निकल के आएगा तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन, अब देखो हमारे पास जो टर्म है वो टर्म कितने हैं, अगर मैं टर्म की बात करूँगा तो टर्म तो हमारे पास बेटा तीन ही है। टर्म जो हमारे पास है यहाँ पर वो कितने हैं, टर्म हमारे पास तीन है, तो ये हो जाएगा तीन, और उसके बाद बीटा बाई टू करोगे तो जब बीटा बाई टू करोगे तो ये 3π/7 बन जाएगा। फिर आएगा बीटा बाई टू, नीचे आता है ओनली बीटा बाई टू, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/7। फिर आपका देखिए यहाँ पर आता है कॉस, तो मैं इसका तुम्हें सिस्टम बता देता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाई टू कर दो, तो यानी कितना आ जाएगा ये 2π/7 और प्लस ये, ताकि आपको ना करना पड़े, ये शॉर्टकट है 4π/7 और डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2π/7 और इसको 6π/7, तो 3 ये आपका कितना बन जाएगा 3π/7 बन जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 3π/7 और ये पूरा सॉल्व होके ये बन जाएगा कॉस ऑफ 3π/7। नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आपके पास लिखा हुआ है साइन π/7। अब देखो ऊपर उसको दो की ज़रूरत है, तो इसको ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, टू दे देंगे। इसको अगर टू चाहिए तो जब आप इसे टू देंगे तो 2 देते ही ऊपर फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, ऊपर साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन 6/7। अब नीचे में आइए, नीचे में कितना दिया है π/7 दिया है, नीचे कितना दिया है आपको साइन π/7। अब अगर इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने से आपको पता चल रहा है पाई आ रहा है, तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ऊपर पाई माइनस थीटा लिखा है, क्योंकि इसे पाई माइनस करेंगे तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कट, मतलब ये दोनों सेम है ना, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। कैसे कट गए, अगर आपको दिक्कत हो रही तो एक काम करिए, फिर आप इसे चेंज करिए, ऊपर जो लिखा हुआ है उसे 6π/7 ही रहने दीजिए और नीचे जो लिखा हुआ है ना उसे आप लिखिए पाई माइनस कितना लिखेंगे 6π/7, तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी आपका साइन π/7 ही बन जाएगा और वो कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर आप इसे सॉल्व करोगे दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार वापस से समझ दीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले ये आपको सीरीज दे रखी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वाली सीरीज अगर है तो बीटा इसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो अपनी वाली सीरीज में अगर मैं इससे इसको माइनस करूँ, एंगल में एपी बनती है, ध्यान रखना एंगल में, तो 2π/7 बीटा है, तो साइन एन बीटा बाई टू, एन कितने हैं 1, 2, 3, तो 3β/2 करेंगे, तो β/2 करने से 3π/7 आएगा, फिर साइन β/2 इसका करेंगे तो π/7 है, फिर कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल का सम और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें फार्मूला बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, इनको दोनों को जोड़ने से पाई बन रहा है, तो अगर ये आपका क्या है, ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा है, और साइन के केस में ये दोनों कट जाते हैं, तो इसको आपको दिखाने की मुझे जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी दिखा दिया मैंने। अगर आपको ज़्यादा और प्रॉब्लम तो चलो मैं वो भी लिख देता हूँ। ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में आ जाएगा साइन का 6π/7 और नीचे करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 6π/7, ये दोनों कट जाएंगे और फाइनली आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। ओके चलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए फिर इसको मैंने तो सारे स्टेप्स ही लिख दिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 54, cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7। कल मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, याद होगा शायद, उसी सीरीज का ये क्वेश्चन है, cos π/7 और ये क्या है, ये बेटा है cos 2π/7। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 3π/7 को। अगर मैं 3π/7 को cos 4π/7 लिखूंगा तो एक बाहर माइनस आ जाएगा क्योंकि पाई माइनस 4π/7 लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपका बेटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो जिसकी वजह से ये निगेटिव आया है। अब मुझे एक ये फिर से सीरीज बन गई अपनी जो मैंने कल आपको लिखा रखी थी, अब मैं उस सीरीज का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो फार्मूला क्या था, साइन 2 की पावर, याद करो बेटा क्या फार्मूला था, साइन 2 की पावर n, तो टर्म है 3 इसलिए आपका हो जाएगा 3 और थीटा की जगह कितना है पाई बाय 7, नीचे कितना होगा 2 की पावर 3 और फिर कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 7। ये देखो मैंने सीरीज बेटा क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी बता रखा हूँ तो अभी मैं फिर बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा साइन 8π/7 और नीचे में कितना हो जाएगा 8 × sin π/7। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाले टर्म में हम लोग वापस से चेंजेस लगा सकते हैं, वो क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 7 और आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस जो है वो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये दोनों भी कट जाएंगे तो फाइनली हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दोनों कट गए तो आंसर हो गया आपका 1/8, तो 1/8 इज द आंसर, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना रिजल्ट है। अब ये देखिए ये जो लिखा हुआ है cos π/9 cos 2π/9 cos, फिर आपको दे रखा है कितना cos 3π/9 cos 4π/9, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको पाई को 180 समझ के करें तो ये cos 20° बन जाएगा, ये cos 40° बन जाएगा और ये आपका cos 60° बन जाएगा क्योंकि पाई सिर्फ डराने के लिए है बेटा, और ये हो गया cos 80°। अब अगर आप इसमें cos 60 की वैल्यू डाल दो तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 20°, यहाँ कितना आएगा cos 40° और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 80°। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/4 और ये वापस से आइडेंटिटी बन रही है वही थीटा 60 प्लस थीटा वाली, तो 1/4 cos 3θ बन जाएगा और ये आपका आ जाएगा, ये हो गया 1/8 और ये cos 60 बनेगा, ये 1/2, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1/16। तो ये पाई आपको सिर्फ डराने के लिए है, तो जरा एंगल वेंगल पे ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है वही रिजल्ट आ गया, ये सिर्फ डराने के लिए देते हैं। अब देखिए 56 नंबर है, sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 = 3, cos θ1 + cos θ2 + cos θ3। अब एक बात बताओ मेरे को, ये बराबर 3 दे रहा है और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, तो ये तो तय हो गया कि इन तीनों ने ही मिलकर 1 दिया होगा क्योंकि तभी जो है उसी कंडीशन पे ये 3 बनेगा क्योंकि साइन अधिक से अधिक कितना दे सकता है 1 दे सकता है, तो इसलिए इन तीनों ने 1 दिया तब 3 बना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी साइन 1 होता है, जब साइन थीटा 1 होता है तो कॉस जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका cos θ1 cos θ2 और प्लस कितना आ जाएगा cos θ3 मांग रहा है ना, तो ये जो है आपका आंसर जो आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 0 आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम यूज़ करेंगे बराबर 1, तो अगर मैं इसकी जगह अगर मान लो 1 रख दूँ तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ से 1 कट गया तो आपके पास जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 मतलब ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल कॉस थीटा तो आपके पास 0 ही आ जाएगा ना, तो जब कभी साइन 1 होता है तो आपका कॉस जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा देन द मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है वाई। तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं यही बोलूँगा कि आप इसका रिजल्ट याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके ऊपर ऐसा हुआ है कि शायद 19 में उसने क्या किया कि फर्स्ट में और सेकेंड में दोनों में ही इसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका जो रिजल्ट है उसको अगर आप थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चंस ये डाल रखे हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो होती है आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वैसे भी आपको बताऊं क्या, वो ए एम जी एम से ही प्रूफ होगा, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख देंगे बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक काम करिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग कर लीजिए और फिर आपके पास जो आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बेटा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अभी हमने 2ab बताई थी आपको पीछे, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2ab होती है, तो उस हिसाब से आपका जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ज़रा रिजल्ट आप लर्न कर ले तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। टेन थीटा बाई टू वन बाई टू है, टेन फाइव बाई टू वन बाई थ्री है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइव मांग रहा है। तो एक बात बताइए मेरे को, आपको पता है टेन ए प्लस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन डाला है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन थीटा टेन फाइव अपॉन में क्या हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा इंटू में आ जाएगा टेन फाइव। तो बेटा ये हो गया वन बाई टू, ये हो गया आपका वन बाई थ्री। अब नीचे में आ जाइए वन माइनस ये हो जाएगा वन बाई सिक्स, सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी पाँच आ जाएगा नीचे भी पाँच आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर इधर तो वन आ गया। अब अगर ये वन आ गया तो ये वैल्यू होती है बेटा टेन पाई बाई फोर की, तो थीटा प्लस फाइव जो आपका है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पाई बाई फोर। यानी कहने का मतलब ये है कि थीटा प्लस टेन थीटा प्लस फाइव, अगर टेन पाई और थीटा प्लस फाइव पाई बाई फोर आ जाएगा तो पाई बाई फोर इज़ द आंसर। अब चलते हैं हम लोग 59 की तरफ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार इसको ढंग से। इसमें क्या लिखा है, इफ़ एक्स अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन कॉस थीटा माइनस टू पाई अपॉन थ्री जेड अपॉन कॉस थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मांग रहा है। एक काम करिए, जो आपको ये गिवन है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एक्स अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन में, फिर कितना दिया है आपको कॉस थीटा माइनस टू पाई बाई थ्री, फिर क्या दिया है बेटा जेड अपॉन में आपको दे रखा है कॉस ऑफ थीटा प्लस, फिर आपको दे रखा है टू पाई बाई थ्री। आप क्या करिए, इनको सबको के मान लीजिए, ये सारे रेशियोज़ को आप के लेट कर लीजिए। जैसे आपने के लेट किया तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी के कॉस, कितनी आ जाएगी के कॉस थीटा आ जाएगी, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, इसको पूरे रेशियो को मैंने मान लिया है के। अब मैं अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ यहाँ से किसकी, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी के कॉस थीटा, वाई अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा के कॉस थीटा माइनस टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, और अगर मैं जेड निकालूंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका के कॉस, ये आ जाएगा थीटा प्लस आपका आ जाएगा टू पाई बाई थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो के तो बाहर आ जाएगा, अब आपके पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो ये आ जाएगी कॉस थीटा माइनस टू पाई बाई थ्री। प्लस वाले को मैंने पहले कर दिया है, माइनस वाले को बाद में कर दिया। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं, अगर इसमें आपने कॉस सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट यूज़ किया तो फार्मूला होता है बेटा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री कट जाएगा, टू थीटा थीटा बचेगा, और फिर आप क्या करोगे कॉस सी माइनस डी करोगे तो थीटा आपका जो है टू पाई बाई थ्री ऐड हो जाएगा और थीटा कट जाएगा। तो कहने का मतलब यही फोर पाई बाई थ्री बनेगा, और फोर पाई बाई थ्री को अगर डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा टू पाई बाई थ्री। अब क्या करते हैं, यहाँ से के ये आ गया आपका कॉस थीटा, और बेटा ये हो गया आपका कॉस थीटा, और इसकी जगह हम रख देंगे माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि इस कॉस 120 है उसकी वैल्यू माइनस वन होती है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो कॉस थीटा भी आपको कटता हुआ दिखेगा, यानी कुल मिला के आपके पास आ गया के ब्रैकेट में हो गया कितना कॉस थीटा, यहाँ कितना हो गया कॉस थीटा, फाइनली आपके पास आंसर आ गया जीरो। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 59 का जीरो आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एनडीए में आ चुका है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, टेन 20 डिग्री प्लस टू टेन 50 डिग्री माइनस टेन 70 डिग्री की आपसे वो वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, टेन 20 डिग्री कभी कभी अपॉन में टेन 50 इसकी वैल्यू टू आ जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक काम करिए आप, ये जो टेन 20 को तो टेन 20 ही लिख देते हैं,
और जो cot tan 70 लिखा है इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से इसको मैं लिख लेता हूँ cot 20 डिग्री, और ये हो गया, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, यानी ये जो 2 tan आपका जो ये 50 डिग्री है इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब इसे साइन कॉस में तोड़ देते हैं। अगर मैं इसे अब क्या करूँगा बेटा, इसे मैंने अगर आप साइन कॉस में तोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा साइन 20 डिग्री, और इसको एज इट इज़ लिखा, इसमें बेटा मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद आपको ऊपर साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बनता दिखेगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा कॉस 20 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 20 डिग्री, ये हो गया प्लस का 2 टैन कितना आ गया 50 डिग्री। ऊपर देखिए कॉस 2a का फार्मूला बनेगा लेकिन माइनस, क्योंकि उसमें कॉस पहले होता है तो ये कॉस 40 बन जाएगा। इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे आपका जो है साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a बनने का मतलब साइन 40 डिग्री बन जाएगा, और ये हो गया आपका 2 टैन 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ से माइनस और ये कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा 2 कॉट, कितना हो जाएगा 2 कॉट 40 डिग्री, 2 कॉट 40 डिग्री, और ये हो गया आपका 2 टैन 50 डिग्री। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ टैन लिखूँ तो वो कितना आ जाएगा, 2 टैन, 2 टैन 40 का हो जाएगा 50 डिग्री, और ये हो गया आपका 2 टैन 50 डिग्री। ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन पता है क्या, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि टैन 20 डिग्री माइनस का टैन 70 डिग्री और डिवाइडेड बाई, उसने बोला आपसे टैन 50 डिग्री, उसने कहा मुझे बताओ कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो ये क्वेश्चन NDA में ऐसे भी आया हुआ है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और अभी हम लोग जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें ये हमारा पार्ट 3 था, जिसमें आज भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली जो सीरीज़ होगी उसमें हम लोग थोड़े से इन्वर्स के क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, ये सारे मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर वापस से। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आप इसको करते रहिए, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप इसे करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो आपका टारगेट है यानी जो आपका लक्ष्य है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके बेटा, जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।